देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंबेडकर भवन और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं भानु प्रताप सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं राज्यसभा के। तो सर, अभी आज जो यहाँ पर बैठक की गई है ईवीएम से रिलेट बैठक की गई है, तो इसमें किस तरीके की रणनीति बनाई गई है? देखिए, अभी जो रणनीति है, हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 26 नवम्बर तक ये आंदोलन पूरी तरह से जन आंदोलन बन चुका होगा और ईवीएम को हम उखाड़ के फेंक देंगे। हमारी रणनीति अभी, हमने 26 नवंबर को टारगेट लिया, 7 महीने का टारगेट। लेकिन उससे पहले हमने जो अभी केवल घोषणा करी है वो 2 महीने की, और इन 2 महीनों में जो हम काम करने वाले हैं, जो इस देश में 90 करोड़ मतदाता हैं, हम टारगेट लेके चलें कि उनमें से 50 करोड़ मतदाता, उनके सिग्नेचर हम कराएं। तो सिग्नेचर कैंपेन एक हमारा चलेगा पूरे देश में। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में वोटें कटी हैं, उन कटी हुई वोटों का डाटा जो है वो सारा हमें कलेक्ट करना है, वो सारा डाटा एक से लड़ा जा सके लीगली। इसके अलावा जो हम काम कर रहे हैं कि गांव लेवल से लेके, गांव है, शहर है, मोहल्ला है, कस्बा है, ब्लॉक है, तहसील है, विधानसभा है, लोकसभा है, जिला, यहां तक पूरी टीम हम लोग बनाएं हर गांव में, हर जिले में, इस तरह से हमारी टीम। ये 3 टारगेट हम लेके चले हैं। उसके बाद हर महीने समीक्षा होगी इसकी, यानी अगली जो समीक्षा होगी 5 या 7 मई को है, और उसके बाद में जो समीक्षा होगी वो समीक्षा होगी हमारी जो है जून के महीने में, 5 जून को। ये हम टारगेट लेके चल रहे हैं और उसके बाद देखेंगे कि जो टारगेट 2 महीने का है वो अचीव हुआ नहीं हुआ, उसके बाद आगे की रणनीति होगी। जिस तरह से लोग हल्ला मचा के 50 लड़कों को लेके और जिंदाबाद झुंडाबाद ये करते हुए करें, क्या उसी भी तो जुड़ेगा? ये हमारी समझ के बाहर। यहां कुछ साथी हैं यूथ, उनसे मैं कहूंगा वो आगे आए, अपना नाम दें, ताकि अभी एक साथियों की टीम बन जाए। वो साथी नाम दे, टीम बनेगी। हमने बड़ा इसका वो बनाया है तरीका कि किस तरह की टीम होनी चाहिए। एक उसका उदाहरण देता हूं, उससे आप समझ लेंगे कि कितनी बारीकी से हम काम कर रहे हैं। हर नौजवान साथी जो भी आएगा उससे इतनी ही रिक्वेस्ट है, अपने नीचे केवल 9 साथियों की टीम बनाए, युवाओं 9, 10वां वो खुद, 9 साथी जुड़े साथ में, 10वां वो खुद हो। इस तरह की यूथ की टीम गांव गांव लेवल पर हम बनाने की तैयारी करेंगे। साथ में यूथ के अलावा जो अनुभवी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, प्रौढ़ हैं, उन लोगों को बड़ा अनुभव होता है, उनका उनकी टीम बनानी जरूरी है। हमने टारगेट रखा है कि गांव गांव में 21 लोगों की टीम बनाई जाए, जो वो लोग सब सारी चीजों को हैंडल करें। और उसमें ऐसा नहीं है कि जैसा भी एक पहलवान कह के गए थे साथी हमारे, जाटक जाटक जाटक, यहां जाटक भी है, यहां यादव भी है, यहां कुर्मी भी बैठा है, यहां पे जो है पंजाबी भी बैठे हैं, यहां पे सब तरह के साथी बैठे हैं। इस चीज को समझो सर, ये रोते रोते बहुत टाइम हो गया, इस कहानी से पहले अपने आप को बाहर निकालो, फिर बात की बात। ये जोड़ते नहीं है, सिर्फ टूटते हैं, कोई जुड़ता नहीं, मैंने तो नहीं देखा टूटते। इस बात को समझे, तो जो भी टीम बनेगी उस गांव में पूरी कोशिश की जाएगी हर समाज के साथी को लेकर चला जाए। किससे परहेज रखना है? जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो ब्राह्मण की बात नहीं मैं कर रहा, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, उनसे बचा, उनकी एंट्री नहीं है बिल्कुल भी। आप समझ रहे मेरी बात, उनकी एंट्री नहीं है किसी भी जगह कहीं भी, जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं। पर बाकी सबकी टीम बनाई जाए, सबको साथ लिया जाए, कोशिश करेंगे लगातार समझाएंगे आप भी उनके लोग। इसके अलावा साथियों, हमें 2 महीने पहले काम करना है, सिग्नेचर कैंपेन हस्ताक्षर अभियान को पूरी तरह सफल बनाना है। 50 करोड़ का हमारा टारगेट है। अपने साथ जो टीम है उनको दीजिए, उन साथियों को दीजिए, फॉर्म दीजिए। अगर इस फॉर्म से कमी पड़ती है तो हम व्हाट्सएप पे आपको उसका वो भेजेंगे, परफॉर्मा पीडीएफ में, वहां से निकलवाइए और भेजिए, और उस पर पीछे लिखा है कि किस पते पर आपको भेजना है।